नमस्कार, आप देख रहे हैं सोमायरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारी का सम्मान में, नर्मदा के मैदान में, मनीषा लड़ेगा किसने दम, हम लड़ेंगे अपने दम, कौन लड़ेगा किसने दम, हम लड़ेंगे अपने दम, मनीषा के हथियारों को फांसी दो। यूपी के हाथरस में बेटी मनीषा के साथ बलात्कार कर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज नर्मदे युवा सेना ने इंदौर के स्कीम नंबर 78 स्थित महिंद्रा शोरूम सत्य साई चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और बेटी मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित। नर्मदे युवा सेना ने बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करते हुए बेटी मनीषा के लिए न्याय मांगा। नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए सभी आरोपियों को तुरंत फांसी देने की मांग की है। दूसरा, हमारे देश में जो आज नारियों के साथ हो रहा है और जो आज मातृशक्ति की दुर्दशा हो रही है, आपको भी पता चला ही होगा यूपी में हमारे हाथरस की बेटी मनीषा जी के साथ जो हुआ है, ये उस देश में हो रहा है जहाँ बोलते हैं नारस्तु पूजते तत्र मनते देवता, जहाँ नारियों का पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जहाँ नारी खुश रहती है उस कुल में, उस देश में समृद्धि आती है, और वहाँ जिस तरीके से स्तर गिर गया है, आज निश्चय ही हम सभी लोगों को उठना होगा, आंदोलन करना होगा, प्रदेश को, सरकार को, देश को, सबको चेताना होगा, जगाना होगा और एक कहीं ना कहीं मेहती भूमिका निभानी होगी। आपका नाम? मैं प्रवेश अग्रवाल हूँ, नर्मदे युवा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे सब पदाधिकारी उन्होंने यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। नर्मदे मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।